फ्रीडम, करेज और पैशन, ये तीन शब्द मेरे दिमाग में आते हैं जब मैं एंटरप्रेन्योर के बारे में सुनता हूं। तो आप अपना खुद का बिजनेस खोलने के लिए बहुत सारी चीजों से इंस्पायर हो सकते हो। हो सकता है आपका बचपन से सपना हो कोई काम करने का, किसी चीज के बारे में आप पैशनेट हो सकता है आप किसी के अंडर काम नहीं करना चाहते, खुद के बॉस बनना चाहते हो सकता है आप हमारे प्रधानमंत्री जी के शब्दों से इंस्पायर होकर खुद का एक पकौड़े का स्टॉल खोलना चाहते हो। तो रीजन कोई भी हो, मैं इस वीडियो में आपको शुरू से लेके एंड तक सारी चीजें बताऊंगा जो चीजें आपको जाननी चाहिए अपना खुद का बिजनेस खोलने के लिए, एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए इंडिया में। आइए देखते हैं। तो दोस्तों, कोई भी बिजनेस या स्टार्टअप करने के लिए सबसे पहली स्टेप आपके लिए है कि आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हैं, आपका आइडिया क्या है। यहां पे बहुत से लोग जो स्टार्टअप करने की सोचते हैं उनके दिमाग में आते हैं कि हमें कुछ ऐसा आइडिया सोचना है जो आज तक किसी ने भी ना सोचा हो, लेकिन मेरे हिसाब से गलत सोच है। इसके दो रीजंस हैं। एक तो ये है कि एक ऐसा आइडिया सोचना जो आज तक किसी ने भी ना सोचा हो, इसके बहुत ही कम चांसेस हैं कि आपके दिमाग में कोई ऐसी चीज आए, क्योंकि देश भर में 1 बिलियन से ज्यादा लोग हैं, बहुत कम चांसेस हैं इसके। और दूसरा और ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन कि आपको ये नहीं करना चाहिए, एक ऐसा बिजनेस एक नई फील्ड में जहां पे कस्टमर बेस एस्टेब्लिश नहीं है, एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू नहीं है, किसी ने आपसे पहले ट्रायल एंड रन नहीं किया है, वहां पे एक्सपेरिमेंट नहीं किया है कि इस फील्ड में बिजनेस करने से ऐसा रेवेन्यू आता है, ऐसी प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं, तो एक बहुत ही नई चीज है यहाँ पे, बहुत ही रिस्की काम है ये। इसलिए मैं कहूंगा आपको एक ऐसा आइडिया सोचने की जरूरत नहीं है जो आप किसी और ने ना सोचा हो। इनफैक्ट आपको ये सोचने की जरूरत है कि आपको खुद क्या करना पसंद है यहाँ पे। यहां पर मैं रेकमेंड करूंगा कि आप दो चीजों पर फोकस कीजिए। पहली चीज कि आपका पैशन क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है, आपको क्या करने में मजा आता है, और दूसरी चीज कि आप किस तरह से लोगों को वैल्यू दे सकते हैं, लोगों को अपने काम से किस तरह से बेनिफिट पहुंचा सकते हैं, इतनी वैल्यू दे सकते हैं कि लोग आपको उसके बदले पैसे देने को तैयार हो जाएं। जब आपने ये दो चीजें सोच ली हैं, तो उसके बाद आप नेक्स्ट देख सकते हैं कि इन दो चीजों से कोइंसाइड करते हुए कौन से बिजनेसेस ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, किस तरह की बिजनेसेस पहले से ही मार्केट में है और वो किस तरह से चल रहे हैं, उनको स्टडी कीजिए आप। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आपको एडवेंचर स्पोर्ट्स में बहुत मजा आता है, मान लो रिवर राफ्टिंग करने में आपको बहुत मजा आता है, तो यहाँ पे एक चीज हो गई। दूसरी चीज आप देख सकते हैं फिर कि रिवर राफ्टिंग करके एडवेंचर स्पोर्ट्स करते हुए आप लोगों को किस तरह से बेनिफिट्स कर सकते हैं, बेनिफिट दे सकते हैं। तो इसमें आ गया कि आप एक एडवेंचर स्पोर्ट्स की कंपनी खोल सकते हैं फॉर एग्जाम्पल। अब ये दोनों चीजें सेटिस्फाई हो गई, तो आप एक एडवेंचर स्पोर्ट्स की कंपनी खोलने से पहले आप देखिए कि पहले से ही किस किस टाइप की एडवेंचर स्पोर्ट्स की कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं इंडिया में और वो किस तरह से फंक्शन कर रही हैं, उनको स्टडी कीजिए, उनको कॉल करके पूछिए आपका बिजनेस किस तरह से चलता है और उनका बिजनेस मॉडल किस तरह से है। बेसिकली ये करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है कि आप अपना एक बिजनेस प्लान तैयार करो। मान लो आप कल से बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो अपना, तो कल से लेके अगले 1 साल तक, जब आपका पहले साल तक जो बिजनेस चलेगा उसका पूरा बजट रिपोर्ट तैयार करो कि आपको कितने पैसे लगेंगे बिजनेस को स्टार्ट करने में, कितना कैपिटल और इन्वेस्टमेंट लगेगा और पूरे 1 साल में क्या क्या खर्चे आएंगे और कितना आप प्रॉफिट बनाओगे और जो आपको कैपिटल और इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए वो कहाँ से लाओगे। आप अपने दोस्तों से बोरो करोगे, अपने फैमिली से पैसे मांगोगे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, या बैंक से लोन लोगे। यहां पर मैं रेकमेंड करूंगा कि ऐसे ही बिजनेस आप स्टार्ट करो जिसमें आपको बैंक से लोन लेना ना पड़े या कोई थर्ड पार्टी से पैसे लेने की जरूरत ना पड़े। आप ऐसे बिजनेस स्टार्ट करो जिसमें कि आपकी फैमिली अफोर्ड कर पाए आपको जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है उस बिजनेस की देने के लिए, क्योंकि बैंक के चक्कर में पड़ जाओगे तो बहुत प्रॉब्लम्स पड़ सकती हैं और भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है अगर आपका बिजनेस फेल हो गया बाद में। तो ऐसे ही बिजनेस सोचो जिसमें कि आप खुद से अपनी इन्वेस्टमेंट कर पा रहे हो, इतने पैसे हैं आपके पास, या फिर आपके फैमिली और फ्रेंड्स देने को तैयार है उतने पैसे। ये चीज मैं शुरू शुरू के लिए रेकमेंड कर रहा हूं। एक बार ये आपका बिजनेस एस्टैब्लिश हो गया, उसके बाद उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए फिर आप लोन लेने की सोच सकते हैं। इस तरह से जो रिस्क है वो कम से कम रहेगा। और यहाँ पे आप पैसे किसी से भी बोरो करो दोस्तों, लेकिन जो जरूरी चीज है वो ये है कि आपका जो बिजनेस प्लान है, जो बिजनेस रिपोर्ट बनाई है आपने 1 साल की, वो जितनी ज्यादा डिटेल्ड हो सके उतनी ज्यादा डिटेल्ड हो वो, ताकि कोई भी आपके बिजनेस प्लान को देखे तो वो भी कन्विंस हो जाए कि हाँ भाई ये वाला बिजनेस तो काम करेगा, मतलब हम इसमें अगर पैसे लगाएंगे तो नुकसान नहीं होगा हमारा, उल्टा प्रॉफिट ही निकल के आएगा बिजनेस से। अब जब आपने अपना 1 साल का बिजनेस प्लान सही तरीके से बना लिया है तो हम नेक्स्ट स्टेप पे चल सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपके बिजनेस को गवर्नमेंट में रजिस्टर करवाया जाए। अब जिस तरह का आपका बिजनेस होगा उस पर डिपेंड करके अलग अलग टाइप के तरीके से बिजनेस को रजिस्टर करवाया जा सकता है।
अलग अलग टाइप की बिजनेस एंटिटीज कहते हैं इसको, जो अलग अलग तरीके होते हैं। मैं सारे तो नहीं बताऊंगा, मैं मेन तरीके आपको बता देता हूं क्या क्या होते हैं। सबसे पहला, सबसे पुराना और सबसे आसान तरीका आपके बिजनेस को रजिस्टर करने का है सोल प्रोप्राइटरशिप। प्रोप्राइटरशिप एक ऐसी बिजनेस एंटिटी है, एक ऐसा तरीका है बिजनेस को रजिस्टर करने का जिसमें कि बिजनेस के ओनर आप खुद ही हैं। जो भी बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस होगा वो आपका खुद का प्रॉफिट और लॉस होगा। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि आप पर्सनली लायबल हैं बिजनेस के साथ जो भी हो रहा है उसमें। बहुत सारे स्मॉल बिजनेस ओनर्स इसको यूज करते हैं, जैसे कि कोई दुकानदार है वो अपनी दुकान को एज अ प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर करवाएगा। अगर आप एक पकोड़े वाला बनना चाहते हैं तो आप अपने बिजनेस को एज अ प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर करवाएंगे। प्रोप्राइटरशिप के काफी फायदे हैं। सबसे बड़ा इसका फायदा यह है कि जो गवर्नमेंट रेगुलेशंस होती हैं, जो गवर्नमेंट के रजिस्ट्रेशंस करनी पड़ती हैं, वो कम से कम होती हैं इसमें। अपने बिजनेस को एज अ प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर करवाने के लिए आपको अपनी लोकल अथॉरिटी के पास जाना पड़ेगा। अगर आप शहर में रहते हैं तो आपको म्यूनिसिपैलिटी के पास जाना पड़ेगा, और अगर आप गांव में रहते हैं तो ग्राम पंचायत के पास जाना पड़ेगा। कुछ शहरों में ये ऑनलाइन भी हो जाता है लेकिन हर शहर में नहीं होता है। करीब करीब 1000 रुपए लगेंगे रजिस्टर करवाने के, और 1 से 2 दिन का टाइम लगेगा कि आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाए। लेकिन ये ध्यान में रख के चलना कि रिश्वत भी मांग सकते हैं, क्योंकि आप लोकल अथॉरिटी के पास जा रहे हैं और आपको तो हमारे देश की हालत पता ही है, तो प्रिपेयर्ड रहना अगर वो कुछ रिश्वत मांगे तो इस काम को करवाने के लिए। बेसिकली एज अ प्रोप्राइटरशिप आप तभी रजिस्टर करेंगे अगर आपका बिजनेस छोटा है, तो आपकी कंपनी में ज्यादा लोग एम्प्लॉयड नहीं है, 4 से ज्यादा लोग काम नहीं कर रहे हैं आपकी कंपनी में। क्योंकि अगर आपकी कंपनी बड़ी है तो बहुत रिस्की हो जाता है यहाँ पे। मान लो आपकी करोड़ों की कंपनी है और उसको करोड़ों का लॉस हुआ, अब क्योंकि यहाँ पे आप पर्सनली लायबल हैं प्रोप्राइटरशिप में, तो वो आपका खुद का करोड़ों का लॉस होगा। ये तो आपको चाहिए नहीं होगा, इसलिए इस केस में आपको प्रोप्राइटरशिप नहीं करनी चाहिए। अगर आप खुद के प्रॉफिट और लॉस को कंपनी के प्रॉफिट और लॉस से अलग रखना चाहते हैं, दोनों को एक सेपरेट लीगल एंटिटीज रखना चाहते हैं, इस केस में और जो अलग तरीके हैं बिजनेस रजिस्टर करने के वो यूज होते हैं। इसी में अगला तरीका है OPC, वन पर्सन कंपनी। वन पर्सन कंपनी एक बिजनेस एंटिटी है, एक रजिस्ट्रेशन का तरीका है जिसमें कि आप पर्सनली लायबल नहीं है अगर कंपनी को कुछ होता है तो। कंपनी मान लो कल को डूब जाती है तो वो लोग आपके घर पे आके ये नहीं कह सकते कि अपना घर छोड़ो, गाड़ी छोड़ो, अपनी प्रॉपर्टी छोड़ो क्योंकि आपकी कंपनी डूब गई है उसके पैसे रीपे करने के लिए। OPC की रजिस्ट्रेशन कॉस्ट अराउंड 6000 रुपए है, लेकिन अलग अलग स्टेट्स में थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, और 5 से 10 दिन लगेंगे इसकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने में। और क्योंकि ये वन पर्सन कंपनी है, इसमें आपको खुद की कंपनी का डायरेक्टर भी बनना पड़ेगा और शेयर होल्डर भी बनना पड़ेगा। जब आप अपनी कंपनी की रजिस्ट्रेशन करवा लोगे एज एन OPC, तो आपकी कंपनी का नाम मान लो अगर चिकारा पकोड़े वाला है तो रजिस्ट्रेशन के बाद ये नाम हो जाएगा चिकारा पकोड़े वाला प्राइवेट लिमिटेड और ब्रैकेट्स में OPC। अगला तरीका है कंपनी रजिस्टर करने का प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। सबसे बड़ा डिफरेंस इसमें यही है कि इसमें मिनिमम 2 शेयर होल्डर्स होने चाहिए और मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए कंपनी के। मैक्सिमम लिमिट इसमें शेयर होल्डर्स की है 200, और 200 से ज्यादा अगर आप शेयर होल्डर्स चाहते हैं तो आपको पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाना पड़ेगा। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्योंकि इसका नाम है तो वही रीजन से लिमिटेड है जिस रीजन से वन पर्सन कंपनी लिमिटेड है। इसमें लिमिटेड लायबिलिटी है पर्सनल आदमी की। इस कंपनी की जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी लिमिटेड लायबिलिटी है कि अगर कंपनी को कुछ हो जाता है, कंपनी डूब जाती है, तो उसके शेयर होल्डर्स को पर्सनली वो नुकसान नहीं चुकाना पड़ेगा। ये एक बहुत ही रेपिटेबल और बहुत ही क्रेडिबल तरीका है अपने बिजनेस को रजिस्टर करवाने का। अगर आप ये करवाते हो तो जो कस्टमर्स और क्लाइंट्स का आपकी कंपनी में ट्रस्ट है, जो बैंक्स का आपकी कंपनी में ट्रस्ट है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है अगर आपकी कंपनी पे प्राइवेट लिमिटेड PVT LTD लिखा हो कंपनी के नाम के एंड में। तो बहुत से स्टार्टअप्स अपनी कंपनी को एज अ प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर करवाते हैं या फिर रजिस्टर करवाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इससे जो बैंक से लोन मिलता है वो लोन मिलना आसान हो जाता है, और जो सीड फंडिंग मिलती है स्टार्टअप्स को, जो इन्वेस्टर्स पैसे लगा रहे हैं कंपनी में, वो भी मिलनी आसान हो जाती है। इसकी कॉस्ट है अराउंड 7000 रुपये और आपकी कंपनी को रजिस्टर करवाने में अराउंड 5 से 10 दिन लगेंगे। ऑब्वियसली क्योंकि ये बहुत ही ट्रस्टेबल है प्राइवेट लिमिटेड, तो गवर्नमेंट की तरफ से जो रेगुलेशंस होती हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं इसमें। लेकिन इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक आसान तरीका बताऊंगा आपकी कंपनी को रजिस्टर करवाने का। एक और कंपनी रजिस्ट्रेशन के तरीके के बारे में मैं बात करना चाहूंगा, और ये है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। ये तब काम आता है जब आप कोई प्रोफेशनल हो किसी फील्ड में, जैसे कि डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए। और ये तब काम आता है जब आप एक कंपनी फॉर्म करते हो एक लिमिटेड टाइम के लिए, जिसको आपको बाद में डिसॉल्व कर देना होता है। जैसे कि मान लो आप एक बिल्डर हो और आपको एक बिल्डिंग बनानी है जिसके लिए आपने एक कंपनी खोली, जिसमें आपने मजदूरों को एम्प्लॉय किया, इंजीनियर्स को एम्प्लॉय किया, आर्किटेक्ट्स को एम्प्लॉय किया, लेकिन जब वो बिल्डिंग बन गई पूरी तब आपको उस कंपनी की कोई जरूरत नहीं, तो आपने उस कंपनी को डिसॉल्व कर दिया। यहां पे ये लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप काम में आती है।
मैंने जो चार तरीके आपको बताए हैं वो चार मेन तरीके हैं, आप में से ज्यादातर लोगों को वही चार तरीके काम में आएंगे। बस आप इतना जान लीजिए कि अगर आप कॉरपोरेट फील्ड में डील करना चाहते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ डील करना चाहते हैं, तो प्राइवेट लिमिटेड ही प्रेफरेबल तरीका होता है। और अगर आप अपना ही एक छोटा सा बिजनेस रखना चाहते हैं, ज्यादा रेगुलेशंस में नहीं पड़ना चाहते, तो प्रोप्राइटरशिप एक अच्छा तरीका है। चलिए दोस्तों, अब आपने कंपनी रजिस्ट्रेशन करवा ली है और अब नेक्स्ट स्टेप है कि आपको अलग अलग टाइप की टैक्स रजिस्ट्रेशन करवानी है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन इसमें नंबर वन पे है। अगर आपकी कंपनी का टर्नओवर 20 लाख से ऊपर है एक साल में, तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। कुछ नॉर्थ की स्टेट्स में मिनिमम अमाउंट 10 लाख का है और आपको तब भी करवानी पड़ेगी जीएसटी रजिस्ट्रेशन अगर आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में बिजनेस करते हैं, या फिर स्टेट्स के बीच में हो रहे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में बिजनेस करते हैं, या फिर ई कॉमर्स से रिलेटेड बिजनेस करते हैं। तो अगर आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं तो आपको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड रजिस्ट्रेशन भी करवानी पड़ेगी। कुछ स्टेट्स में एक अलग टाइप का टैक्स है जिसका नाम है प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन, जो कि आपको करवानी पड़ेगी अगर आप उन कुछ स्टेट्स में रहते हैं। तो अगर आपकी कंपनी में 10 से ज्यादा इंप्लॉयज हैं तो आपको इम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, और अगर आपकी कंपनी में 20 से ज्यादा इंप्लॉयज हैं तो आपको प्रोविडेंट फंड रजिस्ट्रेशन भी करवानी पड़ेगी। एक ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन है जिसका नाम है MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस रजिस्ट्रेशन। ये करवाना जरूरी तो नहीं है, लेकिन अगर आप करवा लोगे तो आपको काफी सारे फायदे मिलेंगे। आपको बैंक से लोन मिलना आसान हो जाएगा, आपको टैक्स सब्सिडीज मिलेंगी थोड़ी, आपको एग्जेम्पशन स्कीम्स मिलेंगी और काफी सारे फायदे मिलेंगे, तो करवा लोगे तो ही बेहतर रहोगे। एक आखिरी स्टेप के तौर पे दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ चीजें होती हैं जो हर साल एक बिजनेस को करनी पड़ती हैं। इन्हें कहते हैं ईयरली मैंडेटरी कंप्लायंसेस। सबसे पहली चीज है इनकम टैक्स रिटर्न। हर एक बिजनेस को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ता है साल के एंड में। दूसरी चीज है अकाउंटिंग। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको करनी होती है, और मैं कहूंगा आपको ढंग से करनी चाहिए। ये एक बैलेंस शीट होती है जिसमें आपका सारा प्रॉफिट लॉस, कहाँ खर्चा हुआ है, कहाँ से पैसे आए हैं, कितने आए हैं, इन सब की एक बहुत ढंग से बैलेंस शीट मेंटेन करके रखनी होती है। या तो आप इसके लिए एक अकाउंटेंट को हायर कर सकते हैं, या फिर आप अगर एक छोटी कंपनी है आपकी तो ये काम आप खुद ही कर सकते हैं। जीएसटी के लिए अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो आपको जीएसटी रिटर्न फाइल करना होता है। मंथली और क्वार्टरली कंप्लायंसेज होती हैं इसमें। एक सेक्रेटरियल कंप्लायंस है जो आपको करनी ही पड़ेगी अगर आपकी कंपनी ओपीसी, एलएलपी या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो। और स्टैट्यूटरी ऑडिट एक ऐसी चीज है आपको करनी होगी अगर आपकी कंपनी ओपीसी है या फिर एक एलएलपी है जिसका ईयरली टर्नओवर 40 लाख से या उससे ज्यादा है। और इन सारी ईयरली कंप्लायंसेस पे भी ispbiz.com आपकी मदद कर सकती है। तो दोस्तों, अब आप तैयार हो एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए और अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। वीडियो के एंड में अब मैं फाइनली कुछ आपको टिप्स देना चाहूंगा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी एक एंटरप्रेन्योर हूं, कह ही सकते हो, यूट्यूब चैनल को एक बिजनेस कह सकते हो। मेरी नंबर वन टिप रहेगी यहां पे कि आप हमेशा सोचिए किस तरह से आप वैल्यू दे सकते हैं लोगों को। कस्टमर को वैल्यू देना, क्लाइंट को वैल्यू देना, या फिर लोगों को वैल्यू देना, सोसाइटी को या दुनिया को वैल्यू देना। एग्जाम्पल के तौर पर बोलूं तो जगदीश अपनी वेबसाइट ispbiz.com से वैल्यू देते हैं अपनी सर्विसेज के थ्रू। वो बिजनेस रिलेटेड काम जो आपको करवा के देते हैं उस तरह से आपको वैल्यू मिल रही है उनसे। मैं आपको वैल्यू देता हूं अपनी नॉलेज के थ्रू, जो नॉलेज आप गेन करते हैं मेरे वीडियोस को देखकर। एक पकोड़े वाला आपको वैल्यू देता है अपने पकोड़ों से, कितने टेस्टी लगते हैं आपको उसके पकोड़े और कितना मजा आता है उनको खाने में। तो देखिए, सारे बिजनेस कहीं ना कहीं किसी तरह से वैल्यू देते हैं, और अगर आप वैल्यू पे फोकस करेंगे तो आपका बिजनेस हमेशा अच्छा चलेगा। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है वैल्यू तभी खुल के दी जा सकती है जब आपको काम करने में मजा आता हो। तो वही बिजनेस कीजिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, ऐसा काम कीजिए जिसमें आपको काम करने में मजा आता हो। और लास्टली, ऐसा बिजनेस करने का भी कोई फायदा नहीं है जो एक अनसस्टेनेबल तरीके से चले, किसी चीज की डिस्ट्रक्शन हो उस बिजनेस के ऑपरेट होने से। इसका एक एग्जाम्पल मैं दूंगा, जैसे अडानी का बिजनेस है, वो ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ पे कोल माइन बना रहा था जिससे कि वहां की जो नेचुरल इकोलॉजी है वो पूरी तरह से खत्म हो जाती। इस बिजनेस करने का क्या फायदा हुआ, वो किसको वैल्यू मिल रही है इससे? कहने को तो वो कह रहा है कि हम जॉब देंगे इस कोल माइन की वजह से, इसकी वजह से और बिजली प्रोड्यूस होगी, लेकिन दूसरी तरफ जो इतना डिस्ट्रक्शन हो रहा है इसकी वजह से, उसकी वजह से इसकी कंपनी को कौन पसंद करेगा, इसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं रह जाएगी ऐसे आदमी की। तो ऐसे बिजनेस से भी दूर ही रही है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो से काफी कुछ जानने को मिला होगा, काफी कुछ सीखने को मिला होगा और काफी सारी वैल्यू मिली होगी। अगर आपको ये जो वैल्यू मिली है पसंद आई तो आप मुझे डोनेट कर सकते हैं patreon.com/ध्रुव राठी पे, क्योंकि वही मेरा बिजनेस मॉडल है। इस वीडियो को शेयर कीजिए और हम मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।